एवरीवन, वेलकम टू फार्मा लीडरशिप एकेडमी। और आज हम बात करेंगे टैनिंस के। टैनिंस हमारे डिप्लोमा इन फार्मेसी, बैचलर ऑफ फार्मेसी दोनों के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं फार्माकोग्नोसी में टैनिन। तो टैनिन में मोटी मोटी बातें जो आपको मतलब जाननी चाहिए वो ये है कि टैनिंस क्या है। ये पॉलीफिनोलिक कंपाउंड्स हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स हैं। इनका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होता है, यानी हाई मॉलिक्यूलर वेट होते हैं। दूसरी बात कि टैनिन जो होते हैं ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं। और अगर हम बात करें तो टैनिन जो है वो इनका जो एक्शन होता है वो एस्ट्रिंजेंट होता है, यानी हमारे जो स्किन है उसको कॉन्ट्रैक्ट करने का, श्रिंक करने का काम करते हैं। और ये जो है एस्ट्रिंजेंट मतलब क्या हुआ कि श्रिंक करेंगे, प्रोटीन को प्रेसिपिटेट करेंगे। और इसी प्रॉपर्टी का यूज़ हम करते हैं टैनिन को, कहते हैं कि यूजफुल बनाता है लेदर इंडस्ट्रीज़ के लिए। तो टैनिंस होते हैं स्पेशली अगर हम बात करें तो जो टीटी होता है, ट्रू टैनिंस होते हैं, उनका यूज़ हम करते हैं लेदर इंडस्ट्री में। टैनिन क्या करता है कि जो लेदर होता है यानी एनिमल स्किन होगा उसको यूट्रिफैक्शन से बचाता है, यानी जो माइक्रोबियल माइक्रोब्स होते हैं, ठीक है ना, वो क्या करते हैं एनिमल स्किन को डिकम्पोज कर देते हैं। बहुत ही फाउल ऑर्डर आता है, तो ऐसे में अगर हम टैनिन से उसको ट्रीटमेंट कर देते हैं तो ऐसे में जो एनिमल स्किन होगा वो जो माइक्रोब्स हैं उनसे प्रोटेक्टेड रहेगा। तो ये टैनिंस का मोटे मोटा यूज़ हुआ। और टैनिंस में ट्रू टैनिंस होते हैं और स्यूडो टैनिंस होते हैं। स्यूडो टैनिंस का मॉलिकुलर वेट कम होता है और जो आपके ट्रू टैनिंस होते हैं इनका मॉलिकुलर वेट हाई होता है। ट्रू टैनिंस भी दो तरह के होते हैं, एक हाइड्रोलाइजेबल टैनिन होता है और एक कंडेंस्ड टैनिन होता है। तो जो हाइड्रोलाइजेबल टैनिन होता है वो एसिड और एंजाइम से जब रिएक्शन होता है तो वो हाइड्रोलिसिस हो जाती है और ये आपके गैलिक एसिड या इलैगिक एसिड बनाते हैं। और जो आपका कंडेंस टैनिन होता है इनकी हाइड्रोलिसिस नहीं होती है। मोस्टली अगर हम बात करें तो कंडेंस टैनिन ही ऑकर मिलता है ऑकरेंस उसका। और जो स्यूडो टैनिंस होते हैं उनको हम लेदर इंडस्ट्री में यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। और अगर हम बात करें गोल्ड बीटर्स स्किन टेस्ट होता है तो जो आपका स्यूडो टैनिन है उसका गोल्ड बीटर स्किन टेस्ट नेगेटिव आता है और जो ट्रू टैनिंस होते हैं इनका गोल्ड बीटर स्किन टेस्ट पॉजिटिव आता है। ये इंपॉर्टेंट टर्म रहा जो कि आपको जानना चाहिए। आइए हम टैनिंस के बारे में डिटेल में देखते हैं, आप देखिए, और साथ में हम कुछ क्वेश्चंस भी आपसे पूछेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारा टैनिंस के ऊपर है, टैनिंस आर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक नॉन नाइट्रोजिनस, ठीक है, पॉलीफिनोलिक सब्सटेंसेस ऑफ हायर मॉलिक्यूलर वेट। यहाँ पर देखिए आपको जो इम्पोर्टेंट टर्म है जो आपको याद रखना होगा वो है पॉलीफिनोलिक और हायर मॉलिक्यूलर वेट। दो चीज़ें आपको याद रखनी है, एक तो पॉलीफिनोलिक, दूसरा हायर मॉलिक्यूलर वेट। और फिर देखिए यहाँ पे टैनिंस आर सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। टैनिंस क्या होते हैं? सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं। और टैनिंस एक्ट एज एन एस्ट्रिंजेंट। एस्ट्रिंजेंट बोले तो ये स्किन को श्रिंक करेंगे, प्रोटीन को प्रेसिपिटेट करते हैं। और टैनिन जो होता है इसका नेचर है वाटर सॉल्युबल, इसलिए इसका एक्सट्रैक्शन भी इजी है। और टैनिंस कैसे होंगे? बिटर, कड़वे होंगे। बिटर पॉलीफिनोलिक कंपाउंड दैट बाइंड्स विद प्रोटीन्स एंड प्रेसिपिटेट। तो ये आपका एस्ट्रिंजेंट प्रॉपर्टी हो गई। और टैनिंस प्ले रोल इन प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट्स एज पेस्टिसाइड, प्लांट ग्रोथ रेगुलेशन। ये आपके नोट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आगे बढ़ते हैं। तो देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ टैनिंस की हम बात करेंगे कि इसके क्लासिफिकेशन की, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो टैनिंस होते हैं, टैनिन कैसे होते हैं? बीटर होते हैं, पॉलीफिनोलिक होते हैं, कॉम्प्लेक्स होते हैं, हाई मॉलिक्यूलर वेट होता है इनका, ट्रू टैनिन होते हैं और स्यूडो टैनिंस होते हैं। स्यूडो मतलब झूठा, यानी टैनिन जैसा बिहेवियर। और इनको हम टैनिक कंपाउंड के रूप में नहीं यूज़ करते हैं, लेदर इंडस्ट्री में ट्रू टैनिन का प्रयोग होता है। तो आइए हम टैनिन के क्लासिफिकेशन की बात करेंगे। तो जो टैनिंस होते हैं इनको क्लासिफाई किया गया है, एक तो आपका ट्रू टैनिन है और दूसरा स्यूडो टैनिन है। आप यहाँ पे देख सकते हैं टैनिंस का, एक आपका ट्रू टैनिंस, ठीक है, हाई मॉलिक्यूलर वेट कंपाउंड, इनका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होगा। और स्यूडो टैनिंस होते हैं, इनका मॉलिक्यूलर वेट कम होगा। स्यूडो टैनिंस की एग्जाम्पल क्या है? टी, यानी कि चाय जो हम पीते हैं, कोका, कॉफी, एकेकिया, ठीक है ना, ये नक्स वोमिका में जो मिलेगा टैनिन, वह सब आपके स्यूडो टैनिंस होते हैं। और ये देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से टी और कॉफी में क्या मिलता है, ट्रू टैनिन मिलता है या स्यूडो टैनिन मिलता है?
तो स्यूडो टैनिंस कहाँ मिलते हैं? टी और कॉफी में, कोका में, एकेकिया में, एकेसिया भी बोलते हैं, ठीक है ना, उसमें मिलता है। माय डियर फ्रेंड्स, अब आप देखो ट्रू टैनिंस के बारे में बात करेंगे। ट्रू टैनिंस का मॉलिकुलर वेट हाई होता है, हाई मॉलिकुलर वेट कंपाउंड होते हैं, और इसमें भी आप देखो एक हाइड्रोलाइजेबल टैनिंस होता है और एक कंडेंस्ड टैनिन होता है और एक कॉम्प्लेक्स, ठीक है ना। तो इसमें जो हाइड्रोलाइजेबल टैनिन का एग्जांपल है जैसे अम्ला और अर्जुना, तो अम्ला और अर्जुना में जो पाया जाता है वो हाइड्रोलाइजेबल टैनिन होता है, बहेड़ा में जो पाया जाता है वो हाइड्रोलाइजेबल टैनिन होता है, और जो कंडेंस्ड टैनिन होता है इसी को हम दूसरे नाम से बोलते हैं नॉन हाइड्रोलाइजेबल टैनिन। देखिए मोर कॉमनली फाउंड सिनकोना बार्क, टेरोकार्पस, अशोका, कटैचू यानी कि ब्लैक कटैचू, पेल कटैचू है, उसमें आपका कंडेंस्ड टैनिन मिलेगा। यहाँ पे देखो एक क्वेश्चन बनता है कि वो कौन सा टैनिन है जो मोर कॉमनली फाउंड होता है, ठीक है, मोस्टली मिलता है, तो वो आपका कंडेंस्ड टैनिन होता है, नॉन हाइड्रोलाइजेबल टैनिन होता है। और ये कंडेंस्ड या नॉन हाइड्रोलाइजेबल किसका एग्जाम्पल है? ये एग्जाम्पल है ट्रू टैनिंस का। तो यानी अगर हम दूसरे वे में बोलें तो ट्रू टैनिंस जो हैं वो ज़्यादा मिलते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो हाइड्रोलाइजेबल वर्ड आया है, हाइड्रोलाइजेबल का मतलब है कि जब हम एसिड से या एंजाइम से उसकी रिएक्शन कराएंगे तो ये इसकी हाइड्रोलिसिस हो जाएगी। यानी हाइड्रोलाइजेबल टैनिन की जब एसिड से या एंजाइम से रिएक्शन कराएंगे तो इसकी हाइड्रोलिसिस हो जाएगी। तो हाइड्रोलिसिस होने के बाद क्या बनता है प्रोडक्ट, वो भी हम लोग देखते हैं। और इस हाइड्रोलाइजेबल में भी देखिए दो सेगमेंट है, जैसे आप देख सकते हैं हाइड्रोलाइजेबल में एक आपका है गैलो, गैलो टैनिंस, देखिए गैलो टैनिंस, और एक आपका है इलेजियो टैनिंस, ठीक है। हाइड्रोलाइजेबल टैनिंस में भी दो बातें हैं, पहला आपका गैलो टैनिंस है और दूसरा क्या है, इलेजियो टैनिंस है। तो जब गैलो टैनिंस जो है इनकी हाइड्रोलिसिस होगी इन प्रेजेंस ऑफ एसिड और इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम, तो गैलो टैनिन से बन जाएगा गैलिक एसिड, और जो इलेजियो टैनिन्स हैं इनसे बन जाएगा इलेजिक एसिड, ठीक है। यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है गैलिक एसिड इलेजिक एसिड किसके प्रोडक्ट हैं, तो ये आपके हाइड्रोलाइजेबल टैनिन के हाइड्रोलिसिस के प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। और ये आपका कंडेंस्ड हो गया या इसी को नॉन हाइड्रोलाइजेबल टैनिन बोलते हैं। तो ये एक जनरल रहा अप्रोच। इसके बाद देखिए यहाँ पे एक चीज है जो आपको जाननी है कि जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि ट्रू टैनिंस और आपका जो स्यूडो टैनिंग है आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे, कौन सा टेस्ट है इसके लिए, तो वैसे तो हम आपको अगले सेशन में इसके टेस्ट बताएंगे, और शॉर्टकट ट्रिक है GGP MCV, इसका शॉर्टकट ट्रिक है। अगर GGP MCV आपको याद है तो ये आपके टैनिंस के सारे केमिकल टेस्ट इसमें आ जाएंगे, और कई बार तो जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस हैं वहाँ पर सीधे आपके क्वेश्चंस आएंगे कि जिसपे कि ये जानना होगा कि भाई GGP MCV में कौन कौन से केमिकल टेस्ट होते हैं। तो यहाँ पे हम लोग ये देखेंगे, तो अगला सेशन है GGP MCV का, लेकिन एक टेस्ट है जो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है जिसको हम बोलते हैं गोल्ड बीटर्स स्किन टेस्ट। गोल्ड बीटर्स स्किन टेस्ट बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, और ये जो गोल्ड बीटर्स स्किन टेस्ट होता है ये आइडेंटिफाई करेगा कि टैनिन है कि नहीं है। और यहाँ पे देखिए अगर स्यूडो टैनिन होगा तो ये निगेटिव टेस्ट देगा, और ये जो ट्रू टैनिन्स होते हैं वो पॉजिटिव टेस्ट देंगे। अब जैसे कि आपको पता है एक आपका होता है हाइड्रोलाइजेबल टैनिन और एक क्या होता है नॉन हाइड्रोलाइजेबल या कंडेंस्ड बोलते हैं, तो यहाँ पे ये कलर चेंज शो करेगा, यानी कि ट्रू टैनिन्स में क्या होगा आपको कलर चेंज मिलेगा और यहाँ पे कलर चेंज नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए अब हमको ये देखना है कि जो हाइड्रोलाइजेबल है और दूसरा आपका कंडेंस्ड है तो इसमें कौन सा कलर मिलेगा, तो आप इसमें डिफरेंशिएट कर पाएंगे। मान लो कलर चेंज हो गया तो आपने बोला कि ट्रू टैनिन प्रेजेंट है, कलर में चेंज नहीं हुआ यानी गोल्ड बीटर्स स्किन टेस्ट निगेटिव है तो स्यूडो टैनिंस हो गया। लेकिन अभी ट्रू टैनिंस में कौन सा टैनिन है इसको अगर जानना है तो आपको ये देखना होगा, अगर आपको ब्लू कलर मिलेगा तो इसका मतलब है ये आपका हाइड्रोलाइजेबल टैनिन है, और अगर आपको ब्राउनिश कलर मिलेगा, ब्राउनिश ग्रीन, ठीक है ना,
ब्राउनिश ग्रीन कलर मिलेगा, तो इसका मतलब है कि आपका कंडेंस्ड टैनिन है। तो एच बी याद रखना है कि हाइड्रोलाइजेबल में आपका ब्लू कलर, और ये सी बी ब्राउनिश ग्रीन कलर आपको मिलेगा कंडेंस्ड। ये गोल्ड बीटर्स स्किन टेस्ट की बात हम कर रहे हैं। और एक चीज और आपको बता दें, नाम इसका है गोल्ड बीटर्स स्किन टेस्ट। इसमें स्किन यूज करते हैं, तो किस एनिमल का स्किन यूज होता है? तो ऑक्स का जो इंटेस्टाइन होता है उसका आउटर मेम्ब्रेन लिया जाता है, उसका ट्रीटमेंट करके हम यूज करते हैं। और गोल्ड सीड्स होते हैं, उसे बीट किया जाता है, गोल्ड कोटिंग की जाती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और बाकी एक इसमें आएगा मेडिसिनल यूजेस क्या है टैनिन्स के। जैसा कि मैंने बोला आपको, ये एस्ट्रिंजेंट के रूप में प्रयोग होता है, ठीक है, एंटीसेप्टिक के रूप में प्रयोग होगा, एंटीऑक्सीडेंट के रूप में प्रयोग होगा, एंटीडोट के रूप में प्रयोग होगा। और अगर हम इंडस्ट्रियल यूज की बात करेंगे तो ये आपका लेदर इंडस्ट्री में यूज होता है। और लेदर इंडस्ट्री में ये जो आप लेदर्स होते हैं, यानी लेदर बनाना है, तो जो हम एनिमल स्किन यूज़ कर रहे हैं उनके ट्रीटमेंट में इसका प्रयोग करते हैं। और होगा क्या, ये उस जो भी स्किन आप ले रहे हो उसको यूट्रिफैक्शन से बचाता है, यानी माइक्रोबियल डिकम्पोजिशन से उसको बचाता है। तो ऐसे में लेदर इंडस्ट्री में हम जो स्किन यूज़ कर रहे हैं वो काफ़ी दिनों तक प्रिजर्व कर पाएंगे, प्रोटेक्ट कर पाएंगे, और हम उसको सही इस्तेमाल कर पाएंगे। तो टैनिंग कंपाउंड के रूप में ये टैनिंस का प्रयोग किया जाता है लेदर इंडस्ट्री में, यानी जो एनिमल स्किन है उसको हम इस टैनिन से ट्रीट करते हैं। जो ट्रीट करेंगे तो क्या होगा, वो जल्दी ख़राब नहीं होगा, तो इसलिए इसका लेदर इंडस्ट्री में प्रयोग किया जाता है। तो फाइनली अब हम क्वेश्चन की बात करते हैं। पहला जो इंपॉर्टेंट है कि नंबर आपको ट्रू और फॉल्स में बताना होगा। टैनिन्स आर पॉलीफिनोलिक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इज इट ट्रू और फॉल्स? दिस इज ट्रू स्टेटमेंट। नेक्स्ट है, टैनिन्स आर सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, इट इज ट्रू और फॉल्स? या इट्स ट्रू। नेक्स्ट हम बात करेंगे टैनिन्स में ट्रू टैनिन्स और आपके स्यूडो टैनिन्स होते हैं, दिस इज ट्रू और फॉल्स? दिस इज ट्रू स्टेटमेंट। और फाइनली आपका टैनिन्स का यूज कहाँ पे करते हैं हम? लेदर इंडस्ट्री में टैनिंग के लिए, और ये एस्ट्रिंजेंट एक्शन रखता है। तो ये आज के सेशन में इतना रहा। कल जो हमारी सेशन होगी उसमें हम आपको बताएंगे कि इसके जो केमिकल टेस्ट हैं, GGP MCV इसका शॉर्ट ट्रिक है, उसको हम कैसे लर्न करेंगे, उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तब तक बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल फार्मा लीडरशिप एकेडमी के साथ। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।